रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के पैडलीगंज पुलिस चौकी के पास देशी शराब की दुकान के पास नाले के किनारे संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर इंस्पेक्टर रामगढ़ताल जगत नारायण सिंह और पैडलीगंज चौकी इंचार्ज कमलेश यादव मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। आपको बता दें, मौत का कारण पता नहीं लगाया जा सका है, लेकिन आसपास के लोगों के अनुसार मृतक कबाड़ बीनने का काम करता था और शराब की दुकान पर हर रोज शराब पीने के लिए आया करता था। गुरुवार की सुबह से ही उसकी बॉडी नाले के किनारे गिरी हुई थी, जिसको देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रामगढ़ताल थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह ने कहा कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है, लेकिन बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये आज एक अज्ञात लाश पाई गई है, पैडलीगंज ईशो हॉस्पिटल के पास पाई गई थी। ये 50 वर्ष का व्यक्ति है। आसपास के लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि ये कबाड़ बेचकर ही अपना काम जीवन यापन करता था। इसका अभी शिनाख्त नहीं हो पाया है कि इसके डिटेल्स अभी मिले नहीं। अभी इसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया, आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।